आगरा में आगामी 10 फरवरी को मतदान होने से पहले हर एक राजनीतिक पार्टी पूरी दमखम लगा रही है। आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन प्रत्याशी महेश कुमार जाटव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। महेश कुमार जाटव ने रविवार को सहारा, मिड़ाकुर, मिर्जापुर, मुल्ला की प्याऊ, कल्याणपुर, धनौली आदि गाँव में जाकर जनता से अखिलेश और जयंत की सरकार बनाने की अपील की। आगरा में आगामी 10 फरवरी को मतदान होने से पहले हर एक राजनीतिक पार्टी पूरी दमखम लगा रही है। आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन प्रत्याशी महेश कुमार जाटव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वह भी नियमों की वजह से जहां एक और रैलियों पर रोक है तो वहीं डोर टू डोर कैंपेनिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। महेश कुमार जाटव ने रविवार को सहारा, मिड़ाकुर, मिर्जापुर, मुल्ला की प्याऊ, कल्याणपुर, धनौली आदि गाँव में जाकर जनता से अखिलेश और जयंत की सरकार बनाने की अपील की। देखिए, अपार जन समर्थन है 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा में। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी मैं स्वयं महेश कुमार जाटव की आंधी चल रही है, यहाँ सुनावी सी आ गई है। एक तरफा वोट होगी, सभी की जबान जब्त होंगी सारे लोगों की। देखिए, पुरानी विधायिका कैसी रही क्या नहीं रही, मैं पीछे नहीं जाना चाहता। वो उन्होंने अपनी सोच से काम किया होगा, क्या नहीं क्या क्या किया क्या नहीं किया मुझे पता नहीं। देखिए, हम लोग हमारे जो दोनों नेता हैं वो विकास पुरुष हैं, युवा हैं, उनके अंदर टीस है कैसे गरीब मजदूर किसान का भला करें, कैसे हम मध्यम वर्ग के लोगों का भला करें, कैसे हम छात्रों का भला करें, कैसे हम जो छात्र नौकरी पाना चाहते हैं उनका भला करें, वो जानते हैं सब लोग। बहुत अच्छा विकास दौड़ेगा, अब उत्तर प्रदेश के खुशहाली के रास्ते पर आने वाला है। 1.5 महीने बाद 2-3 जगह स्वागत हुआ, जाटव समाज ने इकट्ठा होकर के मुझे स्वागत किया, मुझे 11,000 रुपये खर्चे के लिए दिए। और उधर खेम सिंह भाई साहब हैं, रोडवेज में नौकरी करते थे, हमारी समाज से ही, जाटव समाज से, उनके यहाँ तो मैंने एक अत्र नई चीज़ देखी कि वहाँ महिलाएं आई, मुझे तिलक किया, मुझे दही पिलाया और 11,000 रुपये दिए कि ये विजय का तिलक है और मैं जब तक ज्योति जलाऊंगी तब तक ज्योति जलाऊंगी तब तक आप जीत करके दोबारा दरवाजे पे नहीं आओगे। महेश जाटव को कहा जयंत को स्वागत, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव? अरे चुनाव अच्छी और बीच है, अच्छी हमारी जयंत की और बीच बाकी के बीजेपी छोटा झूठा। आज महेश जाटव को कुछ आर्थिक मदद भी दी है क्या चुनाव? अरे मदद गई है खूब और फिर दे देंगे। कितने पैसे दिए हैं आज? क्या दिया? 1,11,000 नाम है आपका? राधेश्याम। कौन सा गांव है? सहारा। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या माहौल नजर आ रहा है? वो तो सर लोक अदालत के आदमी है, लोक अदालत ही रंगे सदाम पे। अच्छा, और ये गैया ने को रखा हुआ, बड़े भाई पदे थाने जा सरकार थे। तो ऐसे में किसानों की क्या मांगे हैं? सरकार जो आए किसानों के लिए क्या काम करे जिससे कि ये गौशाला खुलवाई के नहीं, झूठ बोल बोलो के आपके क्षेत्र में बनी कि नहीं बनी? ये कौन नहीं बनी था, ये कौन नहीं बनी, वो डंडा खा रही है गैया। अच्छा, कितना नुकसान हो रहा है किसानों? तमाम खेत के खेत उजाड़ते हैं सर, खेत के खेत। ऐसे में कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही फिर आप? तो लोक दल दिख रहा था, लोकदल की सरकार बन जाएगी? बनेगी सर, बनेगी, राजी राजी गए राजी। महेश कुमार जाटव को क्षेत्र की जनता का इसलिए और समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि महेश कुमार जाटव को गांव सहारा में चुनाव लड़ने के लिए ग्रामीणों ने चंदे से इकट्ठे कर 1,11,000 रुपए की मदद की, जिसके बाद महेश जाटव ने ग्रामीणों का धन्यवाद भी दिया। ग्रामीणों ने इस बार अखिलेश और जयंत की सरकार बनने की बात कही।